चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी एडीएम वहाँ के एसडीएम ये सारे पदाधिकारियों को मिलकर के और जो इसमें संलिप्त लोग रहे हैं जिनके कारण ये घटना घटित हुई दुखद घटना उनकी पहचान की जा रही है और हमारे मेरे साथ हैं जदयू प्रवक्ता अंजू महाराज जी, आइए जानते हैं। मैडम, जहानाबाद में सिद्धेश्वरनाथ मंदिर पे रैली टूटने से जो लोग घायल हुए उसके बारे में और नहीं, देखिए वो बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, जितना हम लोग दुख प्रकट करें वो कम होगा, लेकिन मैं तारीफ़ करूँगी निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिसने त्वरित कार्रवाई किया और जो लोग घायल थे इमीडिएट उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और जो लोग इसके लिए और जिन लोगों के कारण इस तरह की चीज़ें आपसी विवाद के कारण ये सारी चीज़ें रही, इसके लिए हमारी सरकार ने इमीडिएट चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी एडीएम वहाँ के एसडीएम ये सारे पदाधिकारियों को मिलकर के और जो इसमें संलिप्त लोग रहे हैं जिनके कारण ये घटना घटित हुई दुखद घटना उनकी पहचान की जा रही है और हमारी सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से जो मृतकों को 4 लाख रुपया जो हमारे यहाँ प्रावधान है और जो घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये का 24 घंटे के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया है और जिला प्रशासन हमारा जो है इन सारी स्थितियों पे वो नज़र रखे हुआ है और इसमें जो संलिप्त लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन मैडम, वहाँ पे जो स्थानीय लोग उनका कहना है कि घटना लाठीचार्ज की वजह से हुई है। नहीं, ये जो चीज़ वही तो कह रहे हैं ना कि इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी का क्या रिपोर्ट आता है जांच कमेटी की, जो लोग भी दोषी हैं उनकी पहचान करने के लिए और जब रिपोर्ट आएगा तो चाहे जिसकी भी संलिप्तता रही हो जो भी चीज़ें आए सामने इन अकॉर्डेंस कार्रवाई होगी, किसी को थोड़ी छोड़ा जाएगा। मैडम, आज भी बीपीएससी के छात्र यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे, वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। देखिए, एक चीज़ तो आप देख लीजिए कि धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है इस देश में, अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का अधिकार देश का ना कानून दिया है ना संविधान दिया है, तो जो भी लोग जो भी संघ अगर धरना प्रदर्शन करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि वो शांति व्यवस्था को बनाए रखे। अगर इस तरह की घटना घटित हुई है तो निश्चित रूप से मैं तो अवगत नहीं हूँ कि क्या घटना है क्योंकि अभी मैं आ रही हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था का मसला रहा होगा तभी इस तरह का प्रशासन को रुख अख्तियार करना पड़ा है, नहीं तो अदरवाइज प्रशासन इस तरह का रुख क्यों अख्तियार करेगा। मैं यही आग्रह करूंगी कि जिनको भी अपनी बात कहनी है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए, ना कि विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहिए। ये थे अंजू महाराज जी, जदयू प्रवक्ता। आप देख